200 डेवलपर ऑप्शन एक ऐसा सेटिंग है जो सबके मोबाइल फ़ोन में दिया होता है, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं इस डेवलपर ऑप्शन के अंदर पांच ऐसे खुफिया सेटिंग हैं जिससे एक बार अगर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कर लेते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है पूरे 5 दिन चलेगा एक बार चार्ज करने पर। एक बार चार्ज कर लिए 100% बार बार मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा और यह डेवलपर ऑप्शन सभी के मोबाइल में होता है। अगर आप जानना चाहते हो या डेवलपर ऑप्शन में ये पांच कॉपियां सेटिंग है क्या जिससे अपने मोबाइल में करके बैटरी बैकअप बढ़ा सको, बैटरी पूरे 5 दिन चले, वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो चले के वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप मोबाइल के सेटिंग में आओगे और यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन और ये सेटिंग सभी के मोबाइल में होता है। ये डेवलपर ऑप्शन में पांच कॉपियां सेटिंग है क्या जिससे अपने मोबाइल में करके बैटरी बैकअप को बढ़ा सको, आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ डेवलपर ऑप्शन के अंदर वो पाँच कॉपियां सेटिंग है क्या जिससे करके बैटरी बैकअप बढ़ा सको, पूरे 5 दिन आपके मोबाइल का बैटरी चले। दोस्तों अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर नीचे आओगे यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन या फिर आपके मोबाइल में सिस्टम सेटिंग या फिर एडिशनल सेटिंग के अंदर यह ऑप्शन आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। और यह डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं होता है, ऑन करना पड़ता है। ऑन करना बहुत ज़्यादा आसान है, अपने मोबाइल के अबाउट फ़ोन में जाकर बिल्ड नंबर के ऊपर 7 से 8 बार लगातार टच करोगे ये डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। कुल मिला के डेवलपर ऑप्शन ओपन करना है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको सेटिंग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और इसके अंदर पांच खुफिया सेटिंग है जिसे करके बैटरी बैकअप को बढ़ा सकती हो। सारे सेटिंग्स आपको करने होंगे सो वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखना। पहला सेटिंग तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइए, जैसे यहाँ पर नीचे आओगे और ये देखिए ऑप्शन है ऑटो अपडेट सिस्टम और ये सेटिंग ऑन होगा। और ये सेटिंग ऑन होने से होता है क्या है, अगर फ़ोन में कोई नया अपडेट आता है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, ऐसे में वो अपडेट हो सकता है सही ना उसमें कोई ख़राबी हो जो आपके मोबाइल में सही से ना वर्क करता हो। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं ये अपडेट सही नहीं है, इसमें ये बग है, ये प्रॉब्लम है। ऐसे में होगा कि अगर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा आपके मोबाइल में ये सही से अगर वर्क नहीं करता है इससे बैटरी ड्रेन होता है, बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म होता है। ये सेटिंग आपको यहाँ से ऑफ करके रखना है। अगर कोई अपडेट आता है सबसे पहले उसका रिव्यू चेक करना है आपको गूगल में, अगर वो अपडेट सही होगा फिर आप यहाँ पर मैन्युअली अपडेट कर सकती हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ मैन्युअली अपडेट कैसे करते हैं, जैसे आप यहाँ पर मोबाइल के सेटिंग में आओगे, ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे आओगे देखिए ऑप्शन देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए आप यहाँ से रिव्यू पढ़ सकते हो। देखिए लर्न मोर के ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक अपडेट ऑप्शन आपको हमेशा बंद रखना है, ठीक है। तो वापस से चलते हैं डेवलपर ऑप्शन के अंदर। तो ये था पहला सेटिंग, अभी पढ़ते हैं दूसरा सेटिंग। तो यहाँ पर नीचे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको नीचे चलते आना, नीचे आना यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव और ये सेटिंग पहले से ऑन रहता है। अब ये सेटिंग ऑन होने से होता है क्या है, यहाँ से आप इंटरनेट ऑफ़ कर लेते हो, ठीक है, यहाँ से आप इंटरनेट से बंद कर लेते हो, लेकिन आपको नहीं पता ये इंटरनेट बैकग्राउंड में ऑन रहता है जिससे आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल हैं वो सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रन करते हैं और इससे भी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बैटरी यहाँ पर खर्च होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव, अगर अपने मोबाइल में अगर आप सोच रहे हो यहाँ से इंटरनेट ऑफ़ कर लोगे आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, जब तक ये सेटिंग ऑन रहेगा इंटरनेट बैकग्राउंड में ऑन रहता है, सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रन करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर इंटरनेट यूज़ हो रहा है बैकग्राउंड में तो बैटरी भी यहाँ पर ऑब्वियसली खर्च होगा, ठीक है। तो मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव इसे आपको यहाँ से बंद रखना है, जब आपको इंटरनेट यूज़ करना हो यहाँ से इंटरनेट ऑन करोगे फिर इंटरनेट का काम खत्म होने के बाद आप यहाँ से इंटरनेट ऑफ कर देना तो बैकग्राउंड में इंटरनेट ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। यह था दूसरा सेटिंग, अभी बढ़ते हैं तीसरा सेटिंग जिससे आप बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम 100% फिक्स कर सकती हो, बैटरी जो ड्रेन होता है उसे आप फिक्स कर सकती हो। यह तीसरा सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ,
यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, देखिए वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग और ये सेटिंग बंद होता है। अगर आप यहाँ पर नीचे पढ़ोगे देखिए क्लियरली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है रेडियोस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। देख सकते हो यहाँ पर रेडियोस बैटरी ड्रेन यानी बैटरी जो ड्रेन हो जाए वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस यानी जो अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है वो भी सही से आने लगेगा। वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग ये सेटिंग ऑन करना है, इससे आपको दो फायदे होंगे, बैटरी ड्रेन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बैटरी सेफ होगा और नेटवर्क भी अगर सही से नहीं आ रहा है नेटवर्क भी सही से आने लगेगा। यह था तीसरा सेटिंग। अभी बढ़ते हैं चौथा सेटिंग और ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो यहाँ पर आपको नीचे चलते आना है, नीचे ये मैं आपको दिखाता हूँ वो सेटिंग, जैसे यहाँ पर नीचे आओगे और नीचे आना देखिए ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट और ये स्टैंडर्ड लिमिट में सेट होता है। अगर यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर देखोगे स्टैंडर्ड लिमिट और इसे स्टैंडर्ड लिमिट में सेट नहीं करना होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड लिमिट में पहले से सेट होता है। अब इससे होता है क्या है, इससे यही होता है कि आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल हैं ये बैकग्राउंड में सारे रन होते हैं, ठीक है आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन ये बैकग्राउंड में रन होते हैं जिससे बैटरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझा दूँ, जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो या फिर फेसबुक यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, ठीक है अगर आप यहाँ से हटा देती हो, ठीक है आप सोचते हो यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे क्लोज ऑल कर लेंगे ये बैकग्राउंड हट गया है बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तब भी ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है। आपने देखा होगा आपके बैकग्राउंड में फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह ऐप नहीं होता है लेकिन आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड में इंटरनेट डेटा को यूज़ करते हैं। यहाँ से आपको स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट नहीं करना है ताकि यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स कोई भी सेटिंग रन ना करे। यहाँ से नो बैकग्राउंड प्रोसेस इसे करना है, जो भी ऐप यूज़ करोगे जो भी सेटिंग यूज़ करोगे वो ही सिर्फ यहाँ पर बैकग्राउंड में रन करेगा, यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई और ऐप्स वगैरह रन नहीं करेगा जिससे यहाँ पर बैटरी बहुत ज़्यादा सेफ हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग था चौथा सेटिंग, ज़रूर से आपको ये करना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नंबर पाँच सेटिंग, ये रहा देखिए फोर्स डार्क मोड, ठीक है ये सेटिंग बंद रहता है। अब ये सेटिंग बंद होने से होता है क्या, यहाँ पर देखिए जैसे ये लाइट मोड में है, आप सभी को पता है लाइट मोड में बहुत ज़्यादा बैटरी यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है क्योंकि ये लाइट मोड में ऑन है, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन है फोर्स डार्क मोड ये सेटिंग ऑन करना है, ठीक है यहाँ पर ये फोर्स हैव टू यूज़ डार्क मोड इवन इफ़ नॉट फुल्ली सपोर्टेड, यानी जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो अगर उसमें डार्क मोड सपोर्टेड नहीं है तब भी वो डार्क मोड में यूज़ करोगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके फ़ोन में फीचर ही नहीं है डार्क मोड और आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, लाइट मोड में चलेगा इससे बैटरी खर्च होगा, लेकिन जब आप ये सेटिंग ऑन करोगे फेसबुक में भी डार्क मोड एनेबल हो जाएगा और ये इंटरनली भी डार्क मोड में ये रन करेगा, ठीक है तो इससे बहुत ज़्यादा बैटरी सेफ होता है। तो कुल मिला के मैंने आपको ये डेवलपर ऑप्शन के अंदर पाँच सेटिंग बता दिया, अगर आप ये डेवलपर ऑप्शन के अंदर ये पाँच सेटिंग कर लेते हो यकीन मानना एक बार मोबाइल चार्ज करोगे 100% हो जाएगा, पूरे 5 दिन आपके मोबाइल का बैटरी चलेगा। सो एक बार जरूर से ये सारे सेटिंग को देख लेना, जरूर से आपको करना है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला जरूर से वीडियो पर लाइक करना शेयर करना, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।